आर्ट का हैंड टू मंगलवार को कलेक्ट्रेट में एसएसपी ऑफिस के सामने हंगामा हो गया। एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाने आए प्रेमी युगल पर युवती पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया। फिल्मी अंदाज में हमलावरों ने युवक को पकड़कर हाथों और लातों से पिटाई शुरू कर दी। हमले से घबरा युवक ने जब बचने का प्रयास किया तो उसके कपड़े फाड़ दिए गए। हमलावरों ने एसएसपी ऑफिस के सामने पाकबड़ा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गुरेठा गांव निवासी प्रेमी युगल एसएसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाने आया था। बताया जाता है कि प्रेमी युगल को युवती के परिजन से खतरा बना हुआ था। मंगलवार को दोपहर प्रेमी युगल एसएसपी ऑफिस के सामने था कि 5-6 लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। पुलिस के सामने ही लोग उसकी पिटाई करने लगे। वह बचने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा तो हमलावरों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान कुछ हमलावरों ने जूते चप्पल निकालकर उससे हमला किया। हमला करने वाले पिटाई करने के बाद युवक को पकड़कर एसएसपी दफ्तर के अंदर ले गए। युवक के कपड़े फटने से वह अर्धनग्न हो गया था। बताया जाता है कि प्रेमी युगल 11 फरवरी को घर से भाग निकला था। इसी को लेकर युवती के परिजन गुस्से में थे। आरोप है कि पाकबड़ा पुलिस ने उनकी मदद नहीं की, इसलिए उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा द्वारा दोनों पक्षों को सिविल लाइन थाने भेज दिया गया। सवाल जिसको जो प्रॉब्लम है अपनी लिख के दिया है। नहीं सर, हम शांतिपूर्वक चाहते हैं, हम ऐसा नहीं शांतिपूर्वक नहीं, हम कोई ना जी सर, ये दोनों यही है। आपको भी बुलाया, आपकी बात सुनने भी खाली की है, ये कहीं भी जा रहे हैं एक इसका भाई है, भाई भाई ये बता रहे बाकी लोग लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।